5% तेज हो गया और शुरुआत में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। ओशो आप इसका चेक करो, 2 साल का चार्ट, 2020 से लेके 22 तक ये शेयर चला ही नहीं, हिला ही नहीं। अगर यूको बैंक चल सकता तो यस बैंक के क्या प्रॉब्लम है, यस बैंक क्यों नहीं चल सकता। आज ये 6% ऊपर है, किसी के हाथ नहीं लगेगा। ये क्या 22-24 रुपए हो जाएगा? आप में आपको इस शेयर में इतनी स्ट्रेंथ दिखती है क्या? देखिए, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था वो नियर अबाउट ये 17-18 लेवल्स के पास में ही ट्रेड करते हुए नजर आता है। बट अगर हम देखें थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के अवधि में तो नियर अबाउट 19.5 से 20 भी एक मेजर हर्डल है काउंटर में। तो ये काउंटर जब तक उस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें देखने को मिल सकता है, एल्स ये वापस से अपने 17-18 रेंज में वापस से एंटर कर सकता है। सो ओवरऑल नो डाउट अभी काउंटर में बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, आज के दिन पे तो बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट दिखाया इस काउंटर ने। बट जब तक ये 20 के ऊपर एक डिसाइसिवली क्लोजिंग दे करके स्टे नहीं करता है तब तक बेटर रहेगा कि इसमें आप बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें। नीचे 17-18 का जो रेंज है वहां पे बाय एंड हायर रेंज में 20 के पास सेल पोजिशन बना करके रखें काउंटर में। एंड एक बार 20 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां पे नो डाउट थोड़ा छूटेगा आपका मूवमेंट, बट आप 20 के ऊपर ही वापस से री एंटर करिए काउंटर में।